मैं तुहाडी कुछ मदद करां। ऐदा है शायद शायद हां मैं सच्चे जीवन दे पेद दी खोज च हां। कहा गया है कि वो इत्थे किते ही है पर उसनू खोज नहीं पा रहा। लगता है ऐसे लिए उसनू पेद कहा गया है। हां एक बहुत ही जरूरी पेद ओ हां पर पेद सिर्फ ओना दे लई जो इसनू लभण दी कोशिश नहीं करदे। ते घटो घट तुसी लभता रहे हो ते मैनू पा लिया। वेखो मैं एक सलाहकार हां। सच? जी हां सच। मैं अपनी जान पहचान करा दा। मेरा नाम है बाइबल। दुनिया भर च सब तो वध बिकन वाली पुस्तक। लखां लोकां नू उन्हां दे गुड़े सवालां दे जवाब मिल गए ने बस मेरी तरफ मुड़ के। यही है मेरा काम। दरअसल अनेकां च मेरा एक काम। तां की तुसी सच्चे जीवन दा पेद लभण च मेरी मदद कर सकदे हो? ओ हां पक्के तौर ते। पर उस दी खोज दे लई सानू एक यात्रा ते जाना होवेगा मेरे पन्नियां दे राही। एथे आओ मेरे नाल आओ ते असी एक नजर मारांगे। शुरू करदे हां किवें परमेश्वर ने तुहाडी रचना कीती खुद दे स्वरूप विच। परमेश्वर ने किसे मेरे वर्गे दी रचना कीती उस वर्गा बनन लई? नहीं। हां ते एक खास मकसद दे लई। तां फेर मेरा जीवन इना सूना क्यों लग रहा है बर्बाद जिहा? क्योंकि काफी कुछ गड़बड़ा गया। परमेश्वर दी गलती नहीं सी। कई जरूरी गल्लां उसने लोकां ते छड़ दित्तियां सन कि लोकी आपे फैसला लैण। पर जदों तुसी जाणोगे कि उन्हां दे पुत्तर येसु ने इस सब नूं ठीक करन दे लई की कीता तां तुहानूं समझ आण लगेगा कि सच्चे जीवन दा भेद की है। येसु येसु दा इस सब तों की लेना देना? येसु मैनू यकीन नहीं है कि। सुनो सुनो मेरे पन्ने परमेश्वर बारे की कहंदे ने ते की गलत होया ते फिर जिवें के मैं तुहानू दस्या किवें येसु ने चीजां नू ठीक कीता। शुरुआत विच परमेश्वर ने आकाश अते धरती बनाई। फिर परमेश्वर ने कहा पानी मच्छियां अते जिउंदे प्राणियां नाल भर जावे। आकाश हर तरह दे पंछियां नाल भर जावे अते धरती ते हर तरह दे प्राणियां दी रचना होवे। परमेश्वर ने कहा असी मनुखां नूं अपने स्वरूप विच अपने वर्गा बनाइए। ओ समुंदर दी मच्छियां ते राज करनगे आकाश दे पंछियां ते अते धरती दे पशुआं ते। ओ सफल होके फुलण फलण सारी धरती नूं भर देण ते उसनूं काबू कर लैण। ए मेरा आशीर्वाद है। मैं तुहाडा पिता होवांगा ते तुसी मेरे पुत अते तियां होवोगे। तुसी मापे जेकर तुहाडे बच्चे तुहाडे तों रोटी मंगण तां की तुसी उन्हां नूं पत्थर देओगे? जां जे ओ मच्छी मंगण तां की तुसी उन्हां नूं सप देओगे? बिल्कुल नहीं। ता जिवें तुसी मापे अपने बच्चियां नूं चंगियां चीज़ां देना चाहुंदे हो ता तुहाडा सुरगी पिता अपने मंगण वालियां नूं किन्नियां चंगियां चीज़ां देवेगा। ए येसु ने कहा सी परमेश्वर दा पुत्तर इन्हां सारियां च सब तों अहम। परमेश्वर उत्तों सुरग तों धरती ते सारे मनुखां ते निगाह मारदा है। ओ वेखदा है के की कोई सचमुच बुद्धिमान है कि कोई परमेश्वर नू खोजदा है? पर नहीं सब बहुत दूर हो गए हैं। कोई भला नहीं करदा कोई भी नहीं।
यीशु मसीह अधिक परमेश्वर दा प्रगट रूप है। उस दा अस्तित्व तत्तों है जद किसी भी चीज दी रचना नहीं हुई सी अते ओ सारी सृष्टि विच सर्वोच्च है। उस दे राही परमेश्वर ने सारी सृष्टि दी रचना कीती, सुरगी थावां विच अते धरती ते भी उसने ओ सब कुछ बनाया जो असी वेख सकदे आ ते ओ भी जो नहीं वेख सकते। सिर्फ इको परमेश्वर है ते इको विचोला जेड़ा परमेश्वर अते मनुखता दा दोबारा मेल करवा सकदा है, ओ है यीशु मसीह। उसने अपना जीवन दे दिता हर एक दी आजादी खरीदण दे लई। यही ओ सुमेहा है जेड़ा परमेश्वर ने दुनिया नू दिता, ओ भी ठीक समय सिर। ओ ए तां कई शब्दां नाल भरिया है। मैं एक वड्डी पुस्तक हाँ, दरअसल कई पुस्तकां दा समूह। नहीं मतलब इस दा दरअसल इस दा अर्थ की है? जे तुसी परमेश्वर नू जानना चाहुंदे हो तां सब तो पहला तुहानू यीशु दे कोल आना पवेगा। पर मैं करां किवें? मैनू तां उहनां दे बारे कुछ नहीं पता। आओ वेखदे हां, मेरे पन्नियां च दर्ज इतिहास बिल्कुल जिउंदा इतिहास है। इस तरह सचमुच होया सी तां जो तुसी इस नू जान सको। हुण मैं कई हजारां साल पीछे जांदा हां हमेशा दी तरह, पर सचमुच परमेश्वर नाल गुजारिया एक दिन हजारां साल वर्गा है। तां आओ चलिए। वाह, ए असी किथे आ गए हां? इजराइल दी जमीन ते 2000 सालां तो भी पहला यीशु ने इत्थे जन्म लिया सी। की ओही यीशु ने जेड़े हुन उठे ने? हां ए ओही ने। इत्थे हो की रिया है? ए एक धार्मिक सभा है। ओ की करन वाले ने? ओ दसन वाले ने के परमेश्वर ने ओना नु किस उद्देश्य लई भेजा है। ओ अपना सिर क्यों ढक रहे ने? आदर जाहिर करन लई, क्योंकि ओ परमेश्वर दा बचन पढ़न वाले ने। सुनो, यीशु समझाण वाले ने के परमेश्वर ने ओना नु किस उद्देश्य लई भेजा है। प्रभु दी रूह मेरे उत्ते वे, क्यों जो उसने मैनू तीन लोकां नू खुशखबरी सुनाउण लई कल्या है, उसने मैनू बज्जियां नू छुड़ाउण लई अते अन्यां नू लोह देण लई भेजा है, दब्बियां नू आजाद करन लई अते ऐलान करन लई कि ओह वेला आ गया जद रब अपने लोकां नू बचावेगा। धर्म शास्त्र दा ए लेख अज पूरा होया। ओ एथे सारे किन्ने बेताब हन, पर ओ एथे किन्नी देर नाल पहुंचे? ओना ने देर कर दिती, ए ठीक नहीं होया। ओ किन्नी छोटी अते सोहनी सी। ए परमेश्वर दी योजना दा एक हिस्सा है। तुसी रोवो नहीं, ए मोई नहीं सिर्फ सुती पई है। तीए उठ जा। ए ता अद्भुत है। उसके साथ ही घबरा रहे ने ते मैं भी। घबराण दी लोड़ नहीं है, यीशु दा प्रकृति ते भी इख्तियार है। वेखो जावांगे।
ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਉਹ ਯੇਸੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ, ਸ਼ਾਇਦ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਯਕੀਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਣਾ। ਯੇਸੂ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੇਸੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯੇਸੂ ਕ੍ਰੂਸ ਤੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਪਾਪ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਖਾਲੀਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੇਸੂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੇਸੂ ਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਚੋਂ ਜਿਵਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਨੇ। ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਛੂਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਭਜਨ ਸੰਗੀਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੇਸੂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੋ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ।
पर सुनो के पौलुस जो येसू दे सब तो पहले चेलियां विचों एक सी उसका इस बारे की कहना है सुनो। हाय मैं पौलुस हाँ। मैं मसीह नाल नफरत करता सी। मैं उन्हां ते हमला किया ते कईयां नूं मार भी सुट्टिया। मैं अहंकारी मतलबी ते दुष्ट सी अते मैनू इसका बड़ा घमंड सी। फिर एक दिन ईसू मेरे सामने प्रगट होए मैनू बदल दिता ते मेरिया सारिया बुराइया लैके मैनू माफ कर दिता। ते फिर उन्होंने मैनू लोगों नूं उन्हां बारे दसण लई कहा ताकि वह भी विश्वास करके पापा की माफ़ी पा लैण। खुद नूं इंसान दे रूप विच माफ़ी ना पाउण दे काबल ना समझो। जेकर असी चंगे हुंदे तां सानू परमेश्वर दी खिमा दी लोड़ ही ना हुंदी। तां कि प्रभु मैनू खिमा करनगे। हाँ तुहानू येसु ते विश्वास करना पवेगा। येसु दा कहना मनना पवेगा। मिस्टर बाइबल अगे तुसी दसो। मैं ही हाँ राह सच्चाई अते जिंदगी। बिना मेरे राही कोई भी पिता तक नहीं पुज सकता। मैनू ए बहुत पसंद है। पर मैं अजे भी समझ नहीं पा रहा परमेश्वर ने येसु नू मरन क्यों दिता। खैर इस तरह येसु ने साडे सारे पापां दा मुल चुकाया। मिस्टर बाइबल लोकां दा परमेश्वर दे नाल सही संबंध तद बनता है जद ओ विश्वास करन के येसु ने खून बहा के अपने आप नू कुर्बान कर दिता। तां जेकर मैं मानला के येसु मेरे लिए मोए तां की होवेगा। ओना सारिया नू जेड़े ओना ते विश्वास करके ओना नू स्वीकार करदे हन ओना नू ओ परमेश्वर दी संतान बनन दा अधिकार दिंदे ने। किन्ना वधिया तोहफा है। तां तुहाडा मतलब है जे मैं विश्वास करां कि येसु मेरे लिए मोए तां मैं परमेश्वर दी संतान बन सकदा हां। ते सिर्फ एना ही नहीं परमेश्वर दा आत्मा ओ पवित्र आत्मा तुहाडे विच वस जावेगा ते कदे साथ नहीं छड्डेगा। ये तां कमाल है पर मेरा की होवेगा जदों मैं मर जावांगा। तुहानू परमेश्वर दे अग्गे लेखा चुकाना पवेगा। उत्थे मैं फड़िया जावांगा। पर तुहानू सब तो छुटकारा मिल जावेगा। येसु दे बलिदान दे लई धन्नवाद अते तुहाडा उस दे विश्वास एक बहुत ही खास भेत है। तां कि मैं हमेशा येसु दे नाल हो सकदा। हाँ बिल्कुल क्योंकि परमेश्वर ने जगत दे नाल अजिहा प्रेम रखिया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता ताकि जो कोई उस ते विश्वास करे उसका नाश ना होवे बल्कि अनंत जीवन पावे। तां दसो मैं हकीकत च परमेश्वर दी संतान किवें बन सकदा। तुहानू येसु नू अंदर आण देना होवेगा। उन्हां दे बचना नू सुनो। वेख मैं बूहे ते खड़ा हो के खड़का दिंदा हां जेकर कोई मेरा शब्द सुन के बूहा खोल दिंदा है ता मैं अंदर आ जावांगा। ठीक है पर मैं उन्हां नू किवें अंदर आण देआं। जे तुसी इकरार करो के येसु ही प्रभु ने ते दिलों विश्वास करो के परमेश्वर ने उन्हां नू मोया चों जिवाया तां तुसी निश्चित बचा ले जावोगे। मैनू लगदा है कि हुण तुहाडी समझ विच आ गया है। कि तुसी इस तरह करोगे। मैं अजिहा करना चाहुंदा हां पर जानदा नहीं की कहना पवेगा। कोई गल नहीं बस मैं जो कहांगा उसनू मेरे पीछे दोहराओ। धन्नवाद येसु जो मेरे लई तुसी क्रूस ते मोए। धन्नवाद येसु जो मेरे लई तुसी क्रूस ते मोए। मैं मंदा हाँ कि मैं तुहाडे सतर तक नहीं पहुंच सकदा ते ना ही खुद नू बचा सकदा। मैं मंदा हाँ कि मैं तुहाडे स्तर तक नहीं पहुंच सकदा ते ना ही खुद नू बचा सकदा। मैनू तुहाडी लोड़ है येसु। मैनू तुहाडी लोड़ है येसु। कृपा करके मेरे पापा नू माफ करके मैनू मुक्ति दवाओ। कृपा करके मेरे पापा नू माफ करके मैनू मुक्ति दवाओ। हुण मैं अपने आप नू तुहाडे हवाले करदा। धन्नवाद मेरे नाल प्रेम करन आते मैनू अपना समझ के अपनाण दे लई। हुण मैं अपने आप नू तुहाडे हवाले करदा। धन्नवाद मेरे नाल प्रेम करन आते मैनू अपना समझ के अपनाउन दे लई। धन्नवाद के मैं हुण परमेश्वर दी संतान हाँ। धन्नवाद के मैं हुण परमेश्वर दी संतान हाँ। मुबारक
बहुत वधिया, बहुत वधिया। हुण तुसीं खोज लिया है सच्चे जीवन दे भेत नूं। अते हर चंगे भेत वां की ये खोज मैनू हमेशा दे लई बदल देगी? हाँ, पक्का। हुण तुहाडे पाप बख्श दिते गए हन ते तुसीं परमेश्वर दी संतान हो। पवित्र आत्मा तुहाडे विच वसदा है। ओ यीशु दे नेड़े रहण च तुहाडी सहायता करेगा। तुसी जीवें के मेरे च लिखिया है एक नवी रचना हो। धन्यवाद श्रीमान बाइबल, तुसी कमाल दे हो। सच्चे जीवन दे भेत दी खोज विच मेरी मदद करन दे लई धन्यवाद। तुहाडा इस नवे जीवन च स्वागत है श्रीमान, स्वागत है। पर जे वेख्या जावे ए तां बस साडी यात्रा दी इक शुरुआत है। होर भी बहुत बहुत सारियां गल्लां हन जो तुसी मेरे पन्नियां चो सीख सकदे हो, कई गल्लां। ते पवित्र आत्मा दी अगवाई तों भी यीशु दे दूजे चेलियां दे बारे च भी सीखो। ओ तुहानू मदद अते प्रेरणा देणगे। अते जिवें के पौलुस कहिंदा है, हमेशा प्रार्थना करो। ते ओ बेहतर जाणदे ने। बाद दे दिनां च उन्हां ने मेरे बारे बहुत कुछ लिखिया, जिस करके मैं एक यीशु विशेषज्ञ बन गया। तां शुरू करो ते गहराई नाल ध्यान करना। गुड बाय, पर छेती मिलते हैं। जे तुसी ये प्रार्थना कीती है जां तुहाडा कोई सवाल है जिदा तुसी जवाब चाहुंदे हो, तां तुसी साडे नाल स्क्रीन ते दित्ते पते ते भी संपर्क कर सकते हो। हुण जे तुसी ए प्रार्थना प्रभु ईसू अगे कर ली है ते तुसी पूरे दिलों भरोसा कर दे हो, तां तुहाडे पाप माफ कीते जा चुके हन। जी हाँ, ओ माफ कीते गए। सवाल वाली कोई गल ही नहीं। तुसी हुण परमेश्वर दी संतान हो अते परमेश्वर दा आत्मा, जिसनू असी पवित्र आत्मा आखदे हां, ए असल विच तुहाडे अंदर वसदा है। ओ तुहाडे रोज़ दे जीवन नू जीण विच तुहाडी मदद करेगा। ओ तुहानू उत्साहित करेगा, तुहाडी अगुवाई करेगा, तुहानू बल बख्शेगा जिवें जिवें तुसी प्रभु ईसु विच वधदे जाओगे। हुण जदों मुश्किलां आउण तां तुसी इकल्ले नहीं हो। बाइबल दे पन्नियां विचों तुहानू दिलासा अते हौसला देण लई परमेश्वर दे सारे अद्भुत वादे तुहाडे लई मौजूद हन। मेरे पन्नियां उते लिखी ज्ञान दियां गल्लां नूं ध्यान नाल सुनो। तुसी इन्हां नूं अपने मन विच जां उच्ची उच्ची बोल सकदे हो। ए परमेश्वर दी बाणी है
ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। ਨਾ ਘਾਬਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋ ਪਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਈਸੂ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸੂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਤਿਕੁਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। ਧਰਮੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਚਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਦਾ ਤੀਕ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਾਹ ਯਹੋਵਾ ਸਨਾਤਨ ਚੱਟਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮਚ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜੀਠ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਉੱਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੁੜ ਜਿਹਦਾ ਰਾਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਪਰ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਭੈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ। ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਭ ਚਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੱਜਾਵਾਨ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਕੁਰ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ? ਈਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਥਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੁਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੁਲਾ ਹੌਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਈਸੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।